Hi guys, how are you? Welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, हम लोग पढ़ रहे थे corporate management accounting के अंदर cash flow statement का chapter. And as you all know कि हमने already चार classes upload कर दी हैं and this is my fifth class. I am very sure कि आपने पिछली चारों classes देख ली होंगी और उससे related आपने questions जो मैं आपको दे रहा था वो भी आपने try करे होंगे. ठीक है, जिन्होंने वो चार classes नहीं देखी इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं है, पहले उन चार क्लासेस को देखिए, देन कम टू क्लास नंबर 5. ठीक है सर. अच्छा, और जिन्होंने भी अभी तक चार क्लासेस देख ली हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये चैप्टर अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ चुका है विद ऑल लॉजिकल रीजनिंग कि किस तरीके से हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना चाहिए था. बिल्कुल सर. अच्छा, अब पांचवी क्लास जो मैं आज कराने जा रहा हूँ उसको करने से पहले जो फोर्थ क्लास हम लोगों ने किया था उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वो मैं आपको फटाफट से डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पांचवी क्लास. ठीक है सर. तो सर, फोर्थ क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आई एम वेरी श्योर अगर आपको याद हो तो ये एक क्वेश्चन था हमारे पास. ठीक है, एक बार ये मैचिंग कर लीजिए आप और इसको 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर. अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी पढ़नी थी. यस सर. तो हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को छोड़ देते हैं, बाकी सारा कंप्लीट कर लेते हैं. 10 से 15, इसका मतलब आपने इशू करा होगा ऑफ शेयर कैपिटल बाय ₹5 लाख, आपने रेजिंग ऑफ डेट भी करी होगी क्योंकि डेट भी बढ़ रहा है हमारा 3 से 6, तो 3 लाख से आपने डेट रेज करा होगा. ठीक है सर. करंट लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं बाय 1 लाख रुपीज़, तो जितने से करंट लाइबिलिटी बढ़ती हैं वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे. ठीक है सर. डेटर का बढ़ना क्या ये माइनस होगा? सर बिल्कुल. इंक्रीज इन डेटर बाय ₹3 लाख माइनस होगा. इंक्रीज इन स्टॉक बाय ₹2 लाख माइनस होगा. ठीक है सर. कैश तो हमें एंड में चेक करना होता है. अब दो एडजस्टमेंट है वो देख लीजिए. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 2 लाख रुपए, आपको एक जर्नल मैंने बताया था. कौन बताएगा सर? P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये आपने नेट इफेक्ट बताया था. बिल्कुल सही है. तो इसका लेजर इफेक्ट अगर हम लेंगे तो क्या P&L यानी कि ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन बाय ₹2 लाख और फिक्स्ड एसेट में से 2 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कितने का बचना चाहिए था? 8 का. और अभी है कितने का? ये 12. तो क्या हमने 4 लाख का परचेज करा होगा? बिल्कुल सर. तो यहाँ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ₹4.4 लाख, क्या ये आउटफ्लो है? बिल्कुल, क्योंकि माल खरीदा तो ये आउटफ्लो है, तो ये रेड में लिख दिया मैंने. ठीक है सर. और कुछ सर? अब बस ये 3 पॉइंट देख लीजिए. कौन बताएगा? ये जो P&L होता है, जो बैलेंस शीट में होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व और PD दिया हो तो क्या ये P&L आफ्टर रिजर्व एंड आफ्टर PD होता है? बिल्कुल सर. और हमें चाहिए होता है करंट ईयर प्रॉफिट जो कि बिफोर रिजर्व बिफोर PD होता है. बिल्कुल सर. तो मैंने क्या कहा था, जितना भी रिजर्व ट्रांसफर हुआ होगा और जितना भी डिविडेंड प्रपोज हुआ होगा क्या वो ऐड कर देना? बिल्कुल सर. तो आप सबसे पहले क्या उठाएंगे? आपने उठाना है डिफरेंस ऑफ P&L जो बैलेंस शीट में है 5, इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व और इसमें ऐड करना है जो भी प्रपोज डिविडेंड होगा. हाँ सर, ठीक है. तो तीनों को प्लस करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, जिसको आप यहाँ लिख दीजिएगा. ठीक है सर, लिख देंगे. अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में देखकर रिजर्व में ट्रांसफर कितना हुआ है? 3 लाख रुपए. तो यहाँ पर 3 लाख ऐड हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान से देखो डिविडेंड पेड है 4 लाख. हाँ सर. तो अगर डिविडेंड पेड 4 लाख है तो इसकी एंट्री बताओ क्या हुई होगी? सर, इसकी एंट्री हुई होगी PD डेबिट टू बैंक बाय ₹4 लाख. PD डेबिट टू बैंक बाय ₹4 लाख. तो जितना आपने पे करा वो यहाँ से आप माइनस करेंगे रेफरेंस डिविडेंड पेड बाय ₹4 लाख और प्रपोज जो भी आपने प्रपोज डिविडेंड डेबिट करा है. और मैंने आपसे कहा था कि PD का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ से आपने 4 लाख माइनस करा तो ये 2 लाख बचेगा और ये 2 से अगर 9 हो गया है तो क्या करंट ईयर में आपने 7 लाख प्रपोज करा होगा? हाँ सर. तो वो 7 लाख आपने यहाँ प्लस कर देना है.
ठीक है जी, बस हो गया क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। 5, 3, 8, 7, 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18, 18 में से 5 गया 13 लाख, यहाँ पे 4 लाख नेगेटिव और यहाँ पे 4 लाख पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ऑपरेटिंग में 13 आया 4 गया 4 आया, तो कुल मिलाकर 13 ही प्लस रहेगा, और क्रॉस चेक करने के लिए 7 प्लस 13 20, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से जितने बच्चों ने आंसर्स लिखे कमेंट बॉक्स में, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही था सर। ये हो गया हमारा क्लास नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5। तो लिखिए क्लास 5। अब इस क्लास के अंदर ना मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कौन सा पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब अब जब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिखने वाली है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा सर, रिजर्व हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, अब ये तीसरा आ रहा है कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर इसके बाद सिर्फ हमारी एक एडजस्टमेंट रह जाएगी और कैश फ्लो का चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश। बहुत बढ़िया सर, फिर इसके बाद मैं एक क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं कैश फ्लो से रिलेटेड थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, जो आपने पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी बेस्ड, ठीक है सर। आइए अब हम करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट, ठीक है। अब दोबारा से देखेंगे जरा, सपोज करिए यहां पर हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख से 3 लाख और P&L का बैलेंस दिया हुआ है 10 से 18, ठीक है सर। दिमाग लगाना है सोच समझ के, ठीक है, और कोई घटना नहीं है, और नीचे देयर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है सर। देखिए टैक्स का प्रोविजन क्या होता है, हर साल ना कंपनी एक प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करती है। आप सबको मालूम है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है सर। तो आप सोच के बताओ, अगर ये नॉन कैश आइटम है तो क्या जितना भी प्रोविजन हमने क्रिएट करा होगा, क्या वो डेफिनेटली P&L में वापस ऐड होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा शुरू से कि नेट प्रॉफिट तक आने के लिए जितने भी नॉन कैश आइटमें माइनस हुई थी, क्या वो वापस प्लस कर दो, यही पढ़ा था मैंने और यही मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि हमने नॉन कैश में ना खाली डेप्रिसिएशन पढ़ा था, अब नॉन कैश में एक आइटम और आ रही है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। सर समझ आ गया, तो अब हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना, तो जितना हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा होगा ना करंट ईयर में, क्या वो एड बैक हो जाएगा? बिल्कुल। अब इसको कैसे पढ़ना है ध्यान से समझेंगे जरा, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड था ना, समझ लो प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्कुल सेम होता है। कैसे सर? देखो हम हमेशा ये प्रिज्यूम करेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लास्ट ईयर में जितना भी प्रोविजन क्रिएटेड था वो सारा टैक्स हमने करंट ईयर में पे कर दिया होगा, ठीक है सर। क्या मतलब है इसका, अगर जितना प्रोविजन मैंने लास्ट ईयर बनाया था अगर वो मैंने पे करा होगा, तो क्या उसके लिए मैंने एक एंट्री पास करी होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक। मान लो एडजस्टमेंट अगर ना हो तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना प्रोविजन था ना वो हमने सारा पे कर दिया होगा, ठीक है सर। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा ध्यान से सुनो, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट का इफेक्ट लूंगा मैं? लोगे सर। आप मुझे बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस लायबिलिटी साइड पे क्या क्रेडिट है? हाँ जी सर। आपने उसको डेबिट किया तो क्या वो इसमें से पहले माइनस हो जाएगा? ठीक है सर, ठीक है। टू बैंक का मतलब हो गया कि आपने पेमेंट करी है, और अगर पेमेंट करी है तो आउटफ्लो होगा। हाँ सर। अब सवाल ये है कि ये आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? तो याद रखना, अगर हमें क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये टैक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है, तो इसीलिए ये टू बैंक का मतलब माइनस कहाँ से होगा बेटा?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा। ठीक है सर, हमें समझ आ गया सर। जैसे प्रपोज डिविडेंड में आपने कहा था कि वो फाइनेंसिंग में से माइनस होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में से माइनस होगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है सर, अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। अगर ये सारा का सारा 2 लाख पेड हो चुका है तो क्या प्रोविजन फॉर टैक्स जीरो दिखना चाहिए था मुझे? ठीक है सर, लेकिन दिख कितना रहा है मुझे? 3 लाख। तो क्या इसका मतलब करंट ईयर में प्रोविजन 3 लाख का और क्रिएट हो गया? हाँ सर, तो आपने एक एंट्री पास करी होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ₹3 लाख, क्योंकि आपने प्रोविजन क्रिएट करा होगा। अब आप मुझे बताओ इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर के प्रॉफिट में आपने 3 लाख रुपए का एक नॉन कैश प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है। तो एज अ रेक्टिफिकेशन, क्या ये नॉन कैश वाला प्रोविजन 3 लाख का, क्या मैं ऐड करके क्या अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय नेट प्रॉफिट में कितना प्रोविजन ऐड होगा? 3 लाख, और कितना लेस होगा? 2 लाख। सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है और ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है। बिल्कुल सर, मैं यही बोल रहा हूँ, इसका ऐड भी ऑपरेटिंग में होता है और इसका लेस भी ऑपरेटिंग में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, समझ आ गया हमें। ठीक है जी, तो अब अगर समझ आ गया और अगर आप मेरे साथ लॉजिकली पढ़ रहे हो तो सर आपके लिए अब पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट क्या होती है ये आपको मालूम है। अगर मैं कुछ नहीं बता रहा तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रपोज, और अगर मैं एडजस्टमेंट दे देता तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बता देता कि कितना पेड हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर प्रपोज आ जाती, या मैं ये बता देता कितना प्रपोज हुआ है तो क्या बैलेंसिंग फिगर पेड आ जाती, जैसे हमने प्रपोज डिविडेंड में पढ़ा था। सर हमें समझ आ गया, अब आप क्वेश्चन दो, हम करके दिखाते हैं। आ जाओ, देखो, सपोज करो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 4 लाख से 6 लाख, पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है 10 से 18। ठीक है सर, अब जितना मैं पूछूंगा उसका जवाब देना, और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग करंट ईयर 2 लाख। सर मैं करके दिखाऊं? करो बेटा। देखो सर, क्योंकि आपने कहा टैक्स पेड हुआ है 2 लाख रुपए, तो मैं एक एंट्री पास कर दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक, और अब मैं उतने से ही करूंगा जितना ये मेरे को एडजस्टमेंट देंगे। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कितने से? 2 लाख। अगर ये ना लिखता तो क्या हम 4 लाख पेड मानते? बिल्कुल। सर मैं इसका लेजर इफेक्ट लूँ? लो सर, मैं क्या करूँगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाऊँगा ना, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट, अब प्रोविजन फॉर टैक्स का सर बैलेंस होता है क्रेडिट, आप कर रहे हो डेबिट, तो सर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, टू बैंक का मतलब मैंने आउटफ्लो किया है, और क्योंकि ये प्रिज्यूम किया गया कि ये टैक्स फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, तो मैं यहाँ से ऐसे लिख दूंगा पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ₹2 लाख। बहुत बढ़िया, अब बताओ क्या करोगे आगे? सर अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये प्रोविजन 2 से 6 कैसे हो गया। सर अगर ये 2 था और अगर ये अब 6 हो गया है, तो डेफिनेटली करंट ईयर में क्या हमने 4 लाख का प्रोविजन क्रिएट करा होगा? बिल्कुल सही। तो अगर करंट में 4 लाख का प्रोविजन क्रिएट करा होगा, तो क्या उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास हुई होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स बाय ₹4 लाख? बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ, एज अ रेक्टिफिकेशन, क्योंकि हमने एक प्रोविजन 4 लाख का नॉन कैश क्रिएट कर लिया है, तो क्या हम इस प्रॉफिट में क्या ये प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर डालेंगे? कितने से बेटा? 2 से 6 के बीच में गैप कितना है? 4। 4 लाख ऐड कर देंगे। सर बहुत आसान हो गए। तो अब फटाफट से बताओ, अगर टैक्स पेड 3 होता तो? सर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से 3 माइनस कर देता, यहाँ से भी 3, 4 में से 3 गया 1, 1 और 6 का गैप 5, तो क्या करंट ईयर में प्रोविजन 5 क्रिएट होता और मैं यहाँ 5 ऐड कर देता? सर उम्दा, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबको समझ आ गया है प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट क्या है। सर एक बात बताओ, क्या हमेशा नीचे एडजस्टमेंट में टैक्स पेड ही दिया होगा? नो। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स कितना क्रिएट हुआ, क्या ये भी वो बता सकता है? तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? टैक्स पेड। करके देखें, आओ देखते हैं। तीसरा देखो जरा एग्जाम्पल,
मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है 4 से 7, P&L का बैलेंस गिवन है 10 से 18, और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है टैक्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग करंट ईयर ₹5 लाख। इस बार मैंने आपको जो एडजस्टमेंट दिया है क्या वो प्रपोज का दिया है, तो फिर जर्नल एंट्री भी कौन सी होगी, प्रपोज वाली। तो प्रपोज की एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने से होगी बेटा, 5 लाख से। अब आपको सिर्फ लेजर इफेक्ट लेना है, ले आ जाओ जरा इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि रिजर्व नहीं है, डिविडेंड नहीं है, क्या ये करंट ईयर प्रॉफिट है? ठीक है सर, तो करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 लाख। सर अगर डिविडेंड और रिजर्व होता तो मैं दोनों को ऐड करके क्या करंट ईयर प्रॉफिट निकाल देता। ठीक है सर, इसमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, अब वो कितना बनेगा, जितना आपने प्रोविजन क्रिएट किया होगा, तो साफ लिखा हुआ है कि आपने कितना प्रोविजन क्रिएट किया, 5, तो आप यहाँ 5 ऐड कर दो, कर दिया सर। P&L डेबिट यानी कि P&L में से माइनस हुआ था, मैंने ऐड करके क्या उसको रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या हमें 4 लाख का प्रोविजन पहले से था, 5 का और क्रिएट हुआ, तो कौन बताएगा टोटल प्रोविजन कितना होना चाहिए, 9, बचा कितना 7, तो क्या हमने 2 लाख पे करा होगा। बिल्कुल सर, तो एक एंट्री आ जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक बाय ₹2 लाख, क्या ये 2 लाख रुपए हमने एक्चुअली में क्या पे कर दिया होगा, जो कि ऑपरेटिंग में से टैक्स पेड के नाम से क्या माइनस भी हो रहा होगा। सर मजा आ गया सर, इसका मतलब 3 बातें होंगी। पहला सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्लस होता है, ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है अगर टैक्स का प्रोविजन है तो। नंबर 2, एडजस्टमेंट नहीं है तो पिछले वाला पे कर दो और करंट वाला प्रोविजन क्रिएट कर लो, और अगर एडजस्टमेंट दी है तो ध्यान से पढ़ो कि एडजस्टमेंट टैक्सेस पेड को लेकर दी है या टैक्सेस के प्रोविजन को क्रिएट को लेकर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप जर्नल एंट्री पास करके लेजर इफेक्ट लो, क्या बैलेंसिंग फिगर दूसरी चीज आ जाएगी। अगर एडजस्टमेंट में पेड दिया है तो बैलेंसिंग फिगर में प्रोविजन आएगा, और अगर एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया है तो बैलेंसिंग फिगर पेड आएगा। सर हमें याद हो गया, समझ आ गया सर, अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दो हम कर लेंगे। तो अब मैं एक इलस्ट्रेशन खुद करा रहा हूँ, फिर मैं एक एज यूजुअल आपको करने को दूंगा और आपने मुझे वो सारे आंसर्स देने हैं, ठीक है जी। इसके बाद मोटा मोटी तौर पे हमारी एक आधी एडजस्टमेंट रह गई है, एंड आई एम वेरी श्योर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है सर, तो अब एक एग्जाम्पल जो मैं करूँगा और एक आप करोगे उसका आंसर, मैंने बार बार बोला मुझे नीचे जरूर चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। ठीक है सर, देखो मान लेते हैं कैपिटल दिया हुआ है 10 से 15, डेट दिया हुआ है 8 से 10, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 6 से 8, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है 4 से 6, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 3 से 5, P&L का बैलेंस गिवन है 10 से 18, करंट लाइबिलिटी गिवन है 5 से 7। आप देख रहे हो क्वेश्चन धीरे धीरे कैसे बड़ा होता जा रहा है, और आप लोगों ने रट्टे मार रखे हैं, कुछ नहीं मालूम ये क्वेश्चन कैसे बनता है, बस आपको करा दिया जाता है आप रटते रहते हो। फिक्स्ड एसेट 10, 18, 24, 28, 31, 41, 5, 46, 46 लैक्स। पंद्रह 10, 25, 25 और 8, 33, 33 और 6, 39, 39 और 5, 44, 44 प्लस 18, 62 प्लस 7, 69। कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज ये ना हो टैली ना हो हमारा। ठीक है जी, 26 लाख से 39 लाख, 10 से 12,
डेटर्स दिए हुए हैं 2 से 4, बैलेंसिंग फिगर कर दो स्टॉक, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 14 मेरे ख्याल से, चेक कर लो जरा एक बारी। ठीक है, ठीक है जी, एडजस्टमेंट लिख लो, डेप्रिसिएशन 1 लाख, डिविडेंड प्रपोज्ड 3 लाख, ठीक है, डिविडेंड प्रपोज्ड इज 3 लाख एंड टैक्स पेड 2 लाख। इस बार एडजस्टमेंट भी 3 कर दी मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ आपको, बस 2 मिनट ऊपर देखना, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका है। ठीक है सर, क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी पिक करो, यहाँ लिखना नेट प्रॉफिट्स, एक एक करके आइटम उठाएंगे, कैपिटल बढ़ गई 5 लाख से, इशू ऑफ कैपिटल 5, डेट रेज हो गया 2, ठीक है सर, ये चारों को छोड़ दिया, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, ठीक है सर, फिक्स एसेट भी बाद में देखेंगे, डेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है माइनस, दो लाख से स्टॉक बढ़ रहा है, तो आपको टिप्स भी हो गया होगा, 6 लाख, कैश को हम एंड में देखते हैं, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आपको मालूम ही है, P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, तो P&L में से माइनस हुआ होगा, नॉन कैश आइटम है तो ऐड कर दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन 1 लाख और फिक्स एसेट में से माइनस हुआ होगा, कितने का बचना चाहिए 9, है कितने का 12, तो क्या 3 लाख का परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स भी आएगा, बहुत बढ़िया सर, खत्म हो गया, अब जो पूछूंगा उसका जवाब देना। P&L 8 लाख दिया हुआ है, पहले करंट ईयर प्रॉफिट निकालो, उसके लिए 2 चीजें ऐड होती है आपको मालूम है, पहले लिखो डिफरेंस इन P&L, डिफरेंस इन P&L चेक करो कितना बचे 8, इसमें 2 चीजें मैंने कहा आपको जोड़नी है, क्या क्या 2 चीजें जोड़नी है, एक तो प्रपोज डिविडेंड और एक ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये हमारे पास करंट ईयर आ जाएगा, फिर जब करंट ईयर आ जाएगा उसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ना है। अच्छा, कई किताबें क्या करती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट में जोड़ती हैं और कई यहीं पे अलग से जोड़ती हैं, तो एक ही बात, 3 चीज़ें बस मुझे अब आपको सिखानी है, क्वेश्चन खत्म है मेरा। ट्रांसफर टू रिजर्व सबसे आसान है, ये तो आप देखते ही बता देते हो, रिजर्व 6 से 8 हुआ सर 2 लाख, वेरी गुड, डिविडेंड का आपने दिमाग लगाना है, देखो कैसे डिविडेंड प्रपोज 3 हुआ है, याद रखना प्रपोज की एंट्री दी हुई है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड 3 लाख से, लेजर इफेक्ट बड़े प्यार से लो, P&L डेबिट यानी कि आपने 3 लाख P&L में से माइनस करा होगा, रेक्टिफिकेशन के तौर पे ऐड कर दो, ठीक है सर, 2 PD करना है ना, तो आपने क्या करना है, PD का क्रेडिट बैलेंस था और आपने यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो क्या ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होना चाहिए था 7, अभी है कितना 6, तो क्या 1 लाख से आपने डिविडेंड पे भी कर दिया होगा, तभी वो 6 बचा है, बिल्कुल सही, तो अगर 1 लाख डिविडेंड पे कर दिया है तो क्या पेमेंट ऑफ डिविडेंड 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, सर बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है सर, अब यहाँ दोबारा आएंगे, ये हमारा पॉइंट खत्म, टैक्स पेड पे आ जाओ, अब पहले तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट इसका मतलब क्या 13 लाख था, बिल्कुल सर, ये 13 लाख को अब यहाँ ले आओ,
अब इसमें चेक करना टैक्स का क्या हुआ। गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी कहती है कि हमने 2 लाख का टैक्स पे करा। सर टैक्स पे करा तो पेमेंट की एंट्री हुई होगी। बिल्कुल, पेमेंट की मैंने एंट्री लिखवाई है, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपए से। सर लेजर इफेक्ट ले लें। बिल्कुल, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्रेडिट बैलेंस है, आपने डेबिट करा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो कितना बचना चाहिए 1। ठीक है, टू बैंक का मतलब आपने पे करा है। और मैंने क्या कहा था कि पेमेंट ऑफ टैक्स क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से ही माइनस हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। अब आपने बस ये चेक करना है कि हमने कितना करंट ईयर में टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करा होगा। कैसे? प्रोविजन बचना चाहिए था 1, अभी है कितना 5, तो क्या हमने 4 लाख का प्रोविजन क्रिएट करा होगा? हाँ सर। तो अगर 4 लाख का प्रोविजन क्रिएट करा होगा तो क्या हमने एक जर्नल एंट्री पास करी होगी, P&L टू प्रोविजन बाय ₹4 लाख, तो क्या वो 4 लाख का प्रोविजन जो हमने क्रिएट करा था क्या वो नॉन कैश था? बिल्कुल, तो क्या वो ऐड हो जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ कितना आएगा 17 लाख। सर ये 17 लाख रुपये मैं यहाँ पे ले लूँगा। सर मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है, आप सॉरी ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मिलाओ जरा 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20, 20 में से आपने माइनस करना है 10, तो यहाँ बचेगा 10 लाख। यहाँ 3 लाख नेगेटिव और यहाँ पे 6 लाख पॉजिटिव, तो 10 और 6 16 में से 3 गया 13, डिफरेंस भी कितना है 13। दैट्स इट, फिनिश। सर यार मज़ा आ रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है इतना बढ़िया क्वेश्चन फ्लो में कैसे हो रहा है। सर अंडरस्टैंडिंग, एक बार मैंने पहले ही बोला याददाश्त चली जाएगी, कैश फ्लो का चैप्टर आपकी याददाश्त से नहीं जाएगा, दिमाग में बैठ गया तो वो बैठ गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको एक बार ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर आराम से अपनी कॉपीज में साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। MCQ जब आप देखोगे ना तो उन बच्चों से तो पलक झपकती हो जाएंगे जिन लोगों ने लॉजिकली समझ लिया। एक एक मिनट के अंदर सारे MCQ होंगे आपसे। ठीक है सर, ठीक है जी, तो प्लीज़ इसका जरा स्नैपशॉट ले लो। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका मुझे आंसर्स ज़रूर चाहिए। जितने बच्चे क्लास देखते हैं एटीट्यूड में मत रहो, वाई? बिकॉज आई एम डूइंग माई वर्क, यू शुड डू योर वर्क, देन ओनली कंबाइंड एफर्ट्स होंगे, तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर सिर्फ मैं ही करूँगा, आप नहीं करोगे, तो फिर ये वन वे ट्रैफिक होगा, फिर मुझे लगेगा कि इन क्लासेस का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो ये जो क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इसका इंटेंट बहुत क्लियर है। आई सिंपली वॉन्ट कि आप लोगों का भरपूर फ़ायदा हो इन क्लासेस के थ्रू, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे, आप एग्जाम्पल दे दो। लिखो मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। लिखो कैपिटल 10 से 12, जनरल रिजर्व 6 से 9, प्रपोज डिविडेंड 2 से 5, प्रोविजन फॉर टैक्स 3 से 6, P&L का बैलेंस 10 से 19, करंट लायबिलिटी 6 से 9, 10 6 16, 18 21 31 37, 16 18 21 31 37, ठीक है, 12 9 21, 21 और 19, 40 40 45 51 60, हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि मैं कुछ ना कुछ ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। और यही बस हमें समझना है, और कुछ है ही नहीं इसमें। टैली कर लीजिए 20 37 17 30 30 60, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन
ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर 2 लाख, डिविडेंड पेड दिया हुआ है, मान लो 2 लाख, एंड टैक्स को आपने प्रपोज करा है, सपोज करो 4 लाख, ठीक है, 4 लाख से आपने प्रपोज करा, बस ध्यान रखना, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड आई वॉन्ट, प्लीज आंसर जरूर लिखिए, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।